गीता। गीता आप मेरे पास क्यों आए? ठीक होने के लिए। गुरु क्या होता है आपको? पूरे शरीर में दर्द होता है, माइग्रेन भी है मेरे, थायराइड भी है। ये दवाइयाँ कब से ले रहे हैं आप? 15 साल हो गए थायराइड की। 15 साल से लगातार दवाई ले रहे हैं, वो टेस्ट में क्या क्या आ रहा है? कभी जीरो पे चली जाती है, कभी हाई पे चली जाती है। जैसे एक महीने चेक कराते हैं तो कभी तो जीरो पर जाती है, डाउन, कभी हाई पे चली जाती है। जब यहाँ पहली बार आए आज, आपने वहाँ अंदर चेक कराया, भैया ने क्या बताया आपको? पितृदोष बताया। इसका निवारण कैसे करेंगे? अभी हम आपके लिए जप करते हैं 5 मिनट। उस जप में आपके दर्द गायब हो जाएंगे, आपको आराम लगेगा, तो इसका मतलब दोष हमारा है, वरना तो डॉक्टरों का है। ठीक है, कौन कौन से हॉस्पिटल में आपने दिखाया इसके बीच में बताया आप मुझे। गुरुजी हमारे बीकानेर रहते हैं, बीकानेर जितनी भी हॉस्पिटल है ना वो सभी में दिखाए। कौन कौन से हैं वो और कौन कौन से डॉक्टर हैं जो आपका इलाज करते हैं? याद नहीं, उनको याद है, वे साथ है। याद है, भाई सामने खड़े हुए, इधर आओ, खड़े कहो। अभी आप यहाँ खड़े हुए, आपको कहाँ दर्द था? अब गुरु जी यहाँ पर घुटनों में था, इसमें आराम हो गया थोड़ा। आराम हो गया, अभी कहाँ इस टाइम? अभी तो नहीं, कहाँ गया? मैंने दवाई दी, हाथ लगाया आपको? नहीं नहीं, फिर इस घुटने में ज्यादा हो रहा था, अभी इस पे बैठा जा, ऊपर नीचे करें घुटना? नहीं ऐसे नहीं, बैठा नहीं जा रहा था बिल्कुल। ये क्या है? देखिए अब मैं आपको, अरे गुरु जी मेरा सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात TV9 भारतवर्ष वाले खासकर सुने, जिनको ढोंग ढकोसला अंधविश्वास दिखाई देता है। एक भक्त है माता के, उनका नाम मुझे पता नहीं, शायद अमित शर्मा है, उसकी TV9 वाले वीडियो बनाते हैं, वो अपनी बात का जवाब नहीं दे पाता, बेचारा 10वीं पास है। ठीक है, माता की भक्ति भी करता है और वो बोलता है बगलामुखी माता की जय, ऐसे सामने खड़ा करता है आदमी को, उसका दर्द गायब कर देता है, लेकिन उसको पता नहीं दर्द क्यों गायब हुआ। वो ये कहता है ये माता करती है, मैं ये कहता हूँ ये मैं करता हूँ। क्यों करता हूँ? क्योंकि मैंने वो जप सीखा है, मैं वो जप करता हूँ। जब मैं वो जप करता हूँ तो उस जप के मुवक्किल होते हैं, उस जप के दूत होते हैं, एक शक्ति चलती है, वो आपके शरीर में गोलाकार में घुस जाती है। देखे टीवी वाले, दिखाए टीवी वाले, लेके आए ऐसे कैमरे, मैं दिखाता हूँ उनको सारी शक्ति कि आदमी के शरीर के अंदर क्या क्या घुसा और उसकी बीमारियाँ, उसके दर्द कहाँ गए। ठीक है ना, सब चीज़ों को ढोंग ढकोसला अंधविश्वास कह के पीछे ढकेल दिया जाता है और कहता है TV9 भारतवर्ष ये काम नहीं करता। ठीक है, क्यों भाई? तुम सनातन के हो गए, सनातन विरोधी काम करते हो। मनु भैया बताते हैं उसको, वो जब चुटकी बजाता है दर्द क्यों गायब हो जाते हैं, क्यों बीमारियां गायब हो जाती हैं, वो एकदम से आदमी को कम लगने लगती है। जब आप कहीं जाते हैं वहाँ माता की शक्ति होती है, वो आदमी धूप बत्ती अगरबत्ती लगाता है, वहाँ तरंगे घूमती हैं गोलाकार रूप में, वो मैं दिखा चुका हूँ पहले पूरी दुनिया को। और आजकल टीवी वाले भी जब आदमी सामने बैठा होता है, इंटरव्यू ले रहे होते हैं, उसके पीछे गोले गोले घूमते दिखाते हैं, उनको ये नहीं पता तुमने एक कृत्रिम बनाया है। लेकिन मनु भैया के पास जब भी उनके पास डालोगे आप, शाम के टाइम आपके कैमरे पकड़ेंगे वो तरंगे घूमती हुई, ठीक है, वो स्पष्ट दिखाई देंगे आसपास में। आप जितने कहोगे उतने बुला दूंगा, हजारों लाखों करोड़ों बुला दूंगा आह्वान करके मंत्र शक्ति से। ठीक है, लेकिन वो इस तरह की वीडियो ना दिखाएं, तब डॉक्टर उसमें अपने तर्क लगाते हैं, सेकेंडों में कैसे कैंसर ठीक कर सकते हैं। नहीं, सेकेंडों में नहीं होता, मैं ये मानता हूँ उसको निगेटिविटी है, लेकिन उसके सामने जाने से वो निगेटिविटी 2 बार जयकार बोलने से शरीर से बाहर हो जाती है। जैसे बहन जी अभी ठीक नहीं हुई है, लेकिन इनको दर्द नहीं है इस टाइम कहीं भी, है कमर में था वो भी नहीं है, कमर में था वो भी नहीं है, तालियां बजा दो एक तो इस बात के लिए। दूसरा, जहां पे भी मंदिर है, जहां पे भी मस्जिद है, जहां पे भी गुरुद्वारा है, जहां पे भी लोग इकट्ठे होकर नाम लेते हैं, वहां एक तरह के तरंगे घूमती हैं, वो तरंगे जब भी आप जाते हैं आपको, आपकी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं, आपके दोषों को निकाल के आपके शरीर से अलग कर देती हैं। आप यहाँ से वापस जाते हैं आपको वैसे ही दर्द महसूस होते हैं, क्योंकि चीज़ें अभी कटी नहीं है, चीज़ें अभी कहीं गई नहीं है, चीज़ें आपके साथ ही हैं, बस अभी वो निकली है। बस मनु भैया सच बोलते हैं, बाकी सब असत्य है और सब जानते नहीं आखिरकार प्रक्रिया क्या है। अमित शर्मा नहीं जानते, मनु भैया तो जानते हैं, नहीं जानते। आइए मेरे साथ, मेरे सामने आइए ना, कितने डॉक्टर आएंगे मेरे सामने, आइए कितने धर्म वाले आएंगे, सब धर्मों वाले आ जाए मेरे सामने, मेरे सामने आइए, मैं बताता हूँ क्या है, करके दिखाता हूँ। वही दर्द को मैं वापस भी बुला सकता हूँ, कैसे? ऐसे, अब करके दिखाऊंगा। क्या नाम है आपका? गीता।
आपने कुछ नहीं बोला है, क्यों जप रहे हो? मैंने कहा आपके लिए नहीं, आपने बोला तो बंद मत करना, जब मैंने किया ही नहीं। आपने सवेरे बोला था ना वो तो। जब दर्द आने लग जाए बता देना, पानी दे पिला। आ गया, आ गया घुटनों में, ये है इस सूक्ष्म तत्व की पकड़। उसी मंत्र से मैंने उसको बाहर कर दिया, उसी मंत्र से मैंने उसको अंदर कर दिया। अब देख लो टीवी 9 वाले, और एक बात, जितने आएंगे वो अपने ही आदमियों को ले आओ, जिनको मेरी चीज होगी मैं अपने आप निकाल के दिखा दूंगा, वापिस अंदर करके दिखा दूंगा। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से आदमी को अभी दर्द हो रहे थे, अभी गायब हो गए, फिर से वापिस कर दिए। ये मंत्र शक्ति कर सकती है, कोई और नहीं कर सकता। ये अद्भुत है, ये किसी टीवी 9 वाले के काबू की बात नहीं है, या किसी को दिखाई देने वाली बात नहीं है। कोई मीडिया वाला आ जाए, कोई भी आ जाए, धर्मी भी धर्मी बेशक आ जाए, मनु भैया को करके दिखाना है। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, और पढ़े लिखे को फारसी भी आती हो तो भी मनु भैया उससे ऊपर है। क्यों? क्योंकि मेहनत रंग लाती है, मेहनत रंग लाएगी, मगर आहिस्ता 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 में 20 साल गुजार दिए। लेकिन अब कोई भी चैनल वाला आ जाए, उसको मैं साबित कर सकता हूँ, प्रेत है, पितर है, दोष है, उन्हीं से बीमारियां हैं। अभी अभी आपने दो पति पत्नी का प्रारूप देखा, दोनों ठीक हुए केवल मंत्र शक्ति से। डॉक्टर को 10 लाख रुपए दे चुके थे, दे देगा कोई डॉक्टर उनका वापिस? जबकि उनको वो समस्या ही नहीं थी। समस्या क्या थी? प्रेत की, पितृ दोष की, और पैसे डॉक्टरों के हजम हो गए। कहा है, चल रही है ना ठगी, चल रहा है ना गोरख धंधा। जब डॉक्टरों की पकड़ में ही नहीं आ रहा रोग, खाम खाम है, सर में दर्द हुआ, माइग्रेन है। भाई तुझे कैसे पता माइग्रेन है? तेरी क्या सीमा माइग्रेन नापने की? तुझे कौन से पैमाने मिल गए माइग्रेन के? अगर माइग्रेन है तो फिर हमारे यहाँ कैसे ठीक हो गई, या किसे फिर तेरे यहाँ आज तक ठीक क्यों नहीं हुई? बताइए, पर्चे नहीं है डॉक्टरों के, क्या नहीं है? डॉक्टरों के प्रमाण सहित जो बाधाएं आ रही थी वो खत्म। आज तक मनु भैया के पास 20 साल में केवल कैंसर के 4 मरीज ठीक हुए हैं। कितने? 4 पुख्ता, लिख के ले लो, दिखा दूंगा सबके सामने सबूत, 4 बिल्कुल आ गए ना। एक को सिर में, सिर में कौन सा कैंसर होता है, क्या बोलते हैं उसको? ब्रेन ट्यूमर, खत्म बिल्कुल, 2 बार थप्पड़ मारने से। कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, कितनी माताएं बहनें यहाँ ठीक हुई हैं, कोई गणना ही नहीं, गिनती नहीं है। ऐसे एक एम्स की जरूरत है, इसलिए कहता हूँ सब अपील करें पीएमओ से। आज मनु भैया हैं, कल नहीं रहेंगे, फिर आपकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। मुंबई की तरह कानून बना दिया जाएगा, कोई भगवान को पूज के आपके प्रेत को निकालने के लिए, आपके दोषों को निकालने के लिए माताओं बहनों के सिर घूमेंगे, वो कहेंगे ढोंग कर रही है, वो कहेंगे आतताई, क्रिश्चनों के सर घूमे ठीक, हमारे घूम गए तो ढोंग कर रही है हमारी महिलाएं। ये पढ़े लिखों की है, और ये नहीं पता कमीनों, उन्होंने तुम्हें कोक से पैदा किया, तुम्हें पढ़ाया, और तुम्हारे से ज्यादा पढ़ी लिखी है, तुम्हारे से ज्यादा होशियार है, इतने बच्चे पाल दिए। बस डॉक्टरों पे विश्वास, उस डॉक्टर पे विश्वास जितने दुनिया की सबसे सरलतम क्रिया को भगवान सबको गर्भ से बच्चा अपने आप बाहर आता है, ये मैं बता रहा हूँ आज, आगे ना। लेकिन कुदरत ने एक दाई माँ बना दी, उसने 3-3 पीढ़ियाँ उपजा दी बिना कोई इंजेक्शन लगाए। आज क्या हो रहा है, रीढ़ की हड्डी पे इंजेक्शन ठोकते हैं, ऑपरेशन करते हैं, बच्चा बाहर, 1 साल तक दर्द नहीं जाता। वो दर्द मिटाते हैं कि दर्द देते हैं? सामान्य प्रक्रिया को असामान्य कैसे बना दिया, फिर हम उनको भगवान कहें? कमाल की बात है भाई, शैतान को भगवान कहने का आपका क्या अनुमान है? भगवान की कोई परिभाषा ही नहीं है, भगवान के कोई गुण ही नहीं है उनमें, मौजूद है तो बताइए आप मेरे को, कोई भी डॉक्टर सामने आके बोले तो सही। पैसा लेने के गुण है जी, बस एक गुण है पैसा लेने के, 15,000 रुपए कम रह जाए तुम्हारी खाल उतार लेंगे, मरीज नहीं मिलेगा। पैसे कम ना करें जी, 5 पैसे कम ना करें, ना करें ना, यहाँ सबका अनुभव है इस बात का, 5 पैसे कम नहीं करते। दवाई से 1 रुपया कम मतलब ही नहीं है, और दवाइयों पे भी कमीशन, टेस्टों पे भी कमीशन, एक डॉक्टर 5-5, 10-10 हज़ार करोड़ कैसे कमा जाता है तुम्हें समझ में ही नहीं आता। 20 साल हो गए मनु भैया को इलाज करते हुए, पूरी दुनिया का कोई भी हॉस्पिटल जितना पैसा कमाता है एक दिन में, एक महीने में, मनु भैया से वो आज तक ना जुड़ा। एक हॉस्पिटल वाले की यहाँ पे 500-700 बीघे जमीन है, यहाँ हमारी तो नहीं हुई, हमें भी तो 20 साल काम करते हो गए।
व्यापार है केवल, क्या चलता है सामान्य को असामान्य बना दिया और साइन करा लेते हैं मर गया तो तुम्हारा। और हमें ये कहते हैं अंधविश्वास मत करो, अंधविश्वास तो हमने डॉक्टरों पे किया है जिसको भगवान मान लिया, ठीक है ना, परिभाषा उसकी दूसरी थी। भगवान का गुण एक नहीं, एक गुण नहीं भगवान का, दया। 15,000 रुपये छोड़ने डॉक्टर साहब, चलना काम करना, खर्चे नहीं है यहाँ, ये दया उनकी है जी। बोला जी मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैंने 4,00,000 रुपये किसी और से लेके जमा कराए। चल भाई एडमिट कहाँ कराया था, दिखे नहीं था, यहाँ खर्चा नहीं है, दिखता नहीं कैसा फर्श डलवाया हुआ है, चेहरा दिखता है फर्श में। तुमने बड़े को बड़ा मान लिया, तुमने दिखावे को बड़ा मान लिया और कुछ नहीं किया तुमने, इसलिए कहता हूँ निगेटिविटी को पहचानो बहन जी। निगेटिविटी कहाँ, दर्द कहाँ है, कहाँ गया फिर, अभी था अभी नहीं है, फिर लाऊं, फिर लाऊं, नहीं नहीं कहाँ से आई है, बीकानेर से आई, बीकानेर से आई है, अब यहाँ 2-3 दिन रहेगी तब ठीक होगी। चलो बोलो जय शनिदेव, मैंने करके दिखा दिया सारी दुनिया को।